गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, है ना। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का हम ये बनाने जा रहे हैं। और जो टॉपिक होगा आज का, वो होगा फ्लूइड इन अ रोटेटिंग कंटेनर। एक और हमने इसके पहले वीडियो बनाया था, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स @5 के नाम से। आज जो ये बन रहा है, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स @6 के नाम से, ठीक है ना। तो इसके पहले जो वीडियो लेक्चर हम लोगों ने बनाया था, ये हम लोगों ने देखा था, उसमें था कि जो फ्लूइड था वो एक ऐसे कंटेनर में रखा हुआ था जो कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा था। लेकिन आज जो होगा वो एक्सेलरेट तो करेगा, मतलब पहले वाले में क्या था कि वो ट्रांसलेट कर रहा था, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन था। आज जो कंटेनर होगा वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, रोटेट करेगा। जो कंटेनर होगा आज क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो देखो, हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम छोटा से छोटा वीडियो लेक्चर में ही टॉपिक आ जाए, ठीक है ना। तो देखो, हेडिंग दो, हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड इन अ रोटेटिंग कंटेनर, रोटेटिंग कंटेनर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड इन अ रोटेटिंग कंटेनर, कंटेनर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जो सबसे पहला सवाल है, देखो ये हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये थ्योरी और सवाल दोनों साथ में चलेंगे, मतलब सवाल को ही थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, या कह लो थ्योरी को ही सवाल के रूप में पढ़ेंगे, मतलब दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है बाबू। तो देखो, अभी जो हम लोग सबसे पहला सवाल करने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि जैसे ट्यूब है, ट्यूब, ये ट्यूब, और इसके अंदर आप जानते हो कि ये लिक्विड भरा होता है ना। तो मान लो एक ट्यूब है, पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप, और उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और मान लो हम उस पाइप को रोटेट कर रहे हैं, पाइप को क्या कर रहे हैं, रोटेट, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाइप को रोटेट कर रहे हैं। तो अगर लिक्विड भरा हुआ है और मान लो ये क्लोज है, जो माउथ है उसका वो क्लोज है, तो अगर हम रोटेट करेंगे तो इतना तो बात तय है कि आप भी समझ सकते हो कि अगर रोटेट करेंगे तो उसका टेंडेंसी होगा, लिक्विड का टेंडेंसी होगा रेडियली आउटवर्ड भागने का, उसका टेंडेंसी होगा रेडियली आउटवर्ड जाने का। अगर ये ओपन रहेगा तो लिक्विड बाहर भी चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा, लेकिन ये क्लोज है तो क्लोज है, ठीक है, फ्लो नहीं करेगा, लेकिन उसका टेंडेंसी होगा रेडियली आउटवर्ड जाने का, है ना, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब अगर इस तरह से ट्यूब है और ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो सेंटर से अवे डायरेक्शन में जाएंगे, रेडियली डायरेक्शन में अगर हम बढ़ेंगे, सेंटर से रेडियस के अलोंग अगर हम बढ़ेंगे, अवे फ्रॉम सेंटर जाएंगे, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, जो हम सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एक्चुअली दी बेसिकली सुडो फोर्स, और प्रेशर सुडो फोर्स के डायरेक्शन में इंक्रीज करता है कि नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली सुडो फोर्स, आपको पढ़ाया था। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा, तो अगर आप इस रोटेटिंग ट्यूब में सेंटर से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखें, थोड़ा फास्ट लिखना बाबू। अ ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, अ ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, rotates uniformly with angular speed omega, rotates uniformly with angular speed omega in a horizontal plane, uniformly with angular speed omega in a horizontal plane about the axis OO dash, about the axis OO dash, about the axis OO dash, full stop, find pressure difference, find pressure difference
प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स बी एंड ए, बिटवीन द टू पॉइंट्स बी एंड ए, बी एंड ए एट अ डिस्टेंस आर टू, एट अ डिस्टेंस आर टू एंड आर वन रेस्पेक्टिवली, एट अ डिस्टेंस आर टू एंड आर वन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस, फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस, फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप और ब्रैकेट मिले तो आर टू ग्रेटर देन आर वन, जो आर टू है वो आर वन से ग्रेटर है। डायग्राम भी आप इसका देख लो, इस तरह से मान लो ट्यूब है और ये क्लोज है और यहां भी क्लोज है और यहां इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड वाटर, क्या भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है ना, और इस एक्सिस के बॉर्डर में घूम रहा है कितने से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। और डायग्राम में दिया हुआ है दो पॉइंट, एक ए है और एक बी है और यह एक्सिस है ओ ओ डैश, तो एक बी है और एक ए है, तो बी जो है वो मान लो यहां पे है बी और ए सपोज यहां है, तो ये जो ए का डिस्टेंस है वो है आर वन और जो बी का डिस्टेंस है वो है आर टू। तो हमें फाइंड करना है कि जो रोटेशन हो रहा है जिसके कारण से प्रेशर डिफरेंस आएगा, तो ऑब्वियस बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर, रेडियली आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, मतलब बी पे प्रेशर ज्यादा होगा और ए पे प्रेशर कम होगा। तो हमें फाइंड करना पी बी माइनस पी ए, वी हैव टू फाइंड प्रेशर डिफरेंस पी बी माइनस पी ए, पी बी माइनस पी ए, दिस वी हैव टू फाइंड। अब देखो काम कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, हम लोगों ने क्या करा, इन जनरल बात करते हैं, हमने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर कर लिया बाबू इस लिक्विड कॉलम का, और ये है मान लो x, ये कुछ होगा ना, मान लिया dx, क्या मान लिया dx, तो x डिस्टेंस पे कुछ प्रेशर होगा, मान लेते हैं p, सपोज x डिस्टेंस पे प्रेशर है p, तो जब p से आगे बढ़ेगा मतलब x से x प्लस dx पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट इन प्रेशर होगा, तो अगर यहां पे p माने हैं तो यहां पे मान सकते हैं P प्लस dP, अगर x पे प्रेशर P माने हैं तो x प्लस dx पे प्रेशर मान सकते हैं P प्लस dP। तो अगर हम लोग बात करें फोर एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट, अगर हम एलिमेंट्री पार्ट के लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन जो बतलाए थे अगर वो लिखे है ना, मतलब x से x प्लस dx की ओर चले, अगर हम ट्रेवल करें यहां से यहां तो क्या लिखेंगे, अगर हम मूव करते हैं, इफ वी मूव एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, तो एक्स पे प्रेशर है पी, एक्स पे प्रेशर है पी और यहां से वहां जाएंगे है ना, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, पी प्लस का साइन देंगे, कितना इंक्रीज होगा, तो रो जी एच होता है ना फॉर्मूला, बट रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच इफेक्टिव होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेंगे, तो ये एक्स डिस्टेंस पे है तो यहां पे कितना एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो किस सर्कल में घूम रहा है, एक्स रेडियस में, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ना, रो इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू जितना डिस्टेंस चलेंगे, तो कितना डिस्टेंस चल रहे हैं डीएक्स, एक्स से एक्स प्लस डीएक्स पर जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस चलेंगे डीएक्स, रो ए एच है ना, और कहां पहुंच जाएंगे, इस एक्स प्लस डीएक्स पर पहुंच जाएंगे, मतलब कितने प्रेशर पर पहुंच जाएंगे, पी प्लस डीपी पे पहुंच जाएंगे, तो यहां पे पी और पी कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट डीपी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x dx, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें
तो हमें क्या मिलने वाला है, b के साथ x है तो x का लिमिट, तो हमें फाइंड करना है प्रेशर डिफरेंस a टू b। तो ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा r1 से r2, तो ये हो जाएगा r1 पे प्रेशर एट p और r2 पे प्रेशर एट b, तो ये LHS में आएगा pb माइनस pa इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, तो x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू और ये r1 टू r, तो यहां से आप कर सकते हो pb माइनस pa इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट VBI, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कॉम्पिटिशन व्यू से बात करें तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो प्रेशर डिफरेंस आ गया है तो देखो थ्योरी भी हो गया, और ये थ्योरी क्या है, थ्योरी होता क्या है, बस डेरिवेशन ही तो होता है। अगर हम लोग थ्योरेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल डेरिवेशन जो होता है वो जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल, क्या है न्यूमेरिकल की तरह बना दिए। अब ये फॉर्मूला होता तो फॉर्मूला क्या है, तो न्यूमेरिकल हो गया है कि नहीं, खैर जो भी है। तो प्रेशर डिफरेंस इतना आ गया बाबू घूमने की वजह से, नोट करें, वीडियो पॉज करें, नोट करें बाबू, वीडियो पॉज करें और नोट करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आगे, है ना। तो अगर आपको R1 R2 दे दिया जाए तो पुट कर देंगे तो हमें डायरेक्ट प्रेशर डिफरेंस वहां पर का मिल जा सकता है, मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये था, इसके बाद अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कहो जो भी एक और न्यूमेरिकल लिखे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी है थ्योरी भी है दोनों है, ठीक है ना, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप जो ये क्वेश्चन लिख रहे हो ना बाबू, जो अभी किए उसमें भी लिख दे रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें लिख दे रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और अभी भी जो लिखने जा रहा हूं उसमें लिख देना थियोरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। लिखे वाटर इज केप्ट इन अ बकेट, और एक मिनट सुनो, ये क्वेश्चन लिखने के पहले ऐसा करें पॉइंट लिखो, ये क्वेश्चन लिखने के पहले पॉइंट लिख रहे तब ये क्वेश्चन लिखाते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट पहले नोट कर ले, पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखे फ्लूइड कंटेंड इन अ टैंक, अ फ्लूइड कंटेंड इन अ टैंक दैट इज रोटेटिंग, अ फ्लूइड कंटेंड इन अ टैंक दैट इज रोटेटिंग विथ अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज रोटेटिंग विथ अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विल रोटेट एज अ रिजिड बॉडी, अबाउट एन एक्सिस विल रोटेट एज अ रिजिड बॉडी। रिपीट कर रहे हैं बाबू, अ फ्लूइड कंटेंड इन अ टैंक दैट इज रोटेटिंग विथ अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस विल रोटेट एज अ रिजिड बॉडी। आपने जैसे देखो थोड़ा सा फील कराते, इमेजिन कराते प्रैक्टिकली, मान लो बकेट लो, बकेट बाल्टी पानी भरो, बकेट को रोटेट करो, बकेट को मान लो बकेट को एक रस्सी से बांध कर सस्पेंड कर दो सीलिंग से, है ना, और बकेट को घुमाओ रोटेट करो, बकेट को घुमा दो, बकेट को घुमाओगे तो आप देखोगे कि जो पानी है, जब बकेट रुका हुआ था तो पानी का फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल था, लेकिन जब घुमा दोगे वो रोटेट कराओगे तो देखोगे कि पानी का सरफेस जो है ना वो ऐसे बन चुका है, ऐसे वो कर्व टाइप का बन जाएगा, कर्व टाइप का, अब करके देखना दिखेगा सिंपल सा आप, ठीक है ना, कर्व टाइप का बनेगा इस टाइप का। देखो जैसे मान लो अगर कोई बकेट है, सपोज ऐसा मान लो सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंड्रिकल, अगर ये पानी ऐसे था पहले तो अब ये पानी ऐसे नहीं रहेगा, अब ये पानी
ऐसे हो जाए, अब ये पानी ऐसे हो जाए। अब करके देखना, अगर देख चुके हो या ऑब्जर्वेशन है ऐसा तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जीवन में कभी देखो तो करके देख सकते हो, ऐसा हो जाए कर्व टाइप का। और ये एक्चुअली पैराबोला होता है, पैराबोला नहीं, अगर देखा जाए तो पैराबोलाइड होता है, थ्री डी में होता है, थ्री डी में, ये सिर्फ टू डी में नहीं होता है, ऐसे चारों तरफ होता है, चारों तरफ ऐसा होता है, चारों तरफ का पैराबोला। थ्री डी में पैराबोला होता है, जैसे पैराबोलाइड बोलते हैं, टू डी में पैराबोला, थ्री डी में पैराबोलाइड, थ्री डी में पैराबोलाइड, ठीक है बाबू। ये गड्ढा टाइप का दिखेगा, गड्ढा टाइप का, और ज्यादा स्पीड करोगे तो ये और ज्यादा गड्ढा टाइप का बनेगा, और ज्यादा ये और ऊपर चला जाएगा, और ये गड्ढा जो बॉटम है वो और नीचे आ जाएगा, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो। आप ऐसा देखिए, होगे सिंपली सी, आप देख सकते हो गिलास में पानी, लो गिलास में, उसको चम्मच से घुमाओ पानी को, है ना, या बकेट में ही पानी को किसी स्टिक से या किसी चीज से घुमाओ तो आपको दिखेगा कि बीच में गड्ढा टाइप का बन जाएगा, और स्पीड बढ़ाओगे तो गड्ढा और बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा शायद आपको मेरे हिसाब से फील आ रहा होगा कि हाँ होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस शेप के बारे में। अभी तो इस शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि शेप क्या होता है, अगर टू डी में देखा जाए तो क्या होता है, पैराबोला। लेकिन ये डिराइव करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक न्यूमेरिकल, ये एक पॉइंट तो आपने लिखा, अभी एक और पॉइंट लिखे बाबू, एक और पॉइंट, द फ्री सरफेस इन रोटेटिंग लिक्विड इज कर्व्ड, द फ्री सरफेस इन रोटेटिंग लिक्विड इज कर्व्ड रेदर देन फ्लैट, कर्व्ड रेदर देन फ्लैट। तो फ्लैट ना होकर के कर्व्ड बन जाता है अगर रोटेट कराओगे तो, है ना, वही पॉइंट दिखाया है, ठीक है। अब लिखे न्यूमेरिकल थियोरेटिकल क्वेश्चन, अब लिखे थियोरेटिकल क्वेश्चन, लिखे फास्ट लिखना। वाटर इज केप्ट इन अ बकेट कॉमा विच इज स्पिनिंग। वो स्पिन कर रहा, बकेट क्या कर रहा, स्पिन घूम रहा, स्पिन कर रहा, स्पिनिंग अबाउट इट्स सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। फुल स्टॉप। द सरफेस ऑफ द लिक्विड फॉर्म्स अ डिप्रेशन, भाई जो गड्ढा बनता है ना, मतलब क्या डिप्रेस कर गया, है ना, होम्स आर डिप्रेशन एज सोन। फुल स्टॉप। Take the lowest point of depression as origin, O, and prove that the vertical cross section of the surface of water is a parabola. Vertical cross section of the surface of water is a parabola. Full stop. Find its equation. देखो इसमें क्या बोला है, ये रोटेट हो रहा है, पैराबोला बन जाएगा, इसके बॉटम को लोवेस्ट को ओरिजिन मान लेना है, ये ओरिजिन हो गया। ऐसा क्वेश्चन ने बोला कि बॉटम को क्या मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो प्रूफ करना है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या होगा, एक पैराबोला होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। और ये घूम रहा है इसके बॉर्डर में, मान लो ओमेगा से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कैसे काम करेंगे,
अगर ये पाराबोला बन गया है और अब पाराबोला बन करके ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए अपना शेप बदलेगा है ना। हुआ क्या होगा थोड़ा समझो, हुआ क्या होगा, अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं और इसका एपीडी बनाते हैं तो ये एमजी होगा और ये इस सर्कल में घूम रहा होगा जिसका सेंटर यहां पे होगा है ना, है कि नहीं। और इक्वेशन फाइंड करने का मतलब क्या, लोकस फाइंड करना, मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बाबू, मैथमेटिक्स में 2D ज्योमेट्री में है ना, लोकस उसका एच कॉमा के मानते हैं कोऑर्डिनेट, फिर लास्ट में एक्स और वाई से रिप्लेस करते हैं है ना। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड करना है तो ऐसा करते हैं एच कॉमा के मान लेते हैं, लेकिन हम एच कॉमा के ना मान करके डायरेक्ट हम एक्स वाई मान ले रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट हम क्या मान ले रहे हैं एक्स वाई। तो मान लेते हैं हमने वो पार्टिकल कंसिडर करा है जिसका कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स कॉमा वाई, मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा है ना। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज एक्स, मतलब ये रेडियस क्या होगा एक्स, एक्स रेडियस में घूम रहा है, तो अगर एक्स रेडियस में घूम रहा है तो ये देखो एक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कितना एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि नहीं। तो पहले ये ऐसे था, पहले सरफेस ऐसे था, ये तो परपेंडिकुलर था इसलिए सरफेस ऐसे था, लेकिन जब घूमने लगा तो एक ये भी फोर्स आ गया जो कि सरफेस के पैरेलल आ गया, एक शियर फोर्स आ गया, इसी कारण से फ्लो होने लगा होगा तो लिक्विड फ्लो होता चला गया। लेकिन ये लिक्विड फ्लो सिर्फ इधर ही नहीं होगा, सूडो फोर्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर भी एक्ट होगा, अंदर भी एक्ट होगा, बाहर भी एक्ट होगा, चारों तरफ एक्ट होगा सेंटर के, अब ये चारों तरफ एक्ट होगा ये सेंट्रीफ्यूगल, तो पानी चारों तरफ बिखरेगा, पानी चारों तरफ शिफ्ट होगा, तो ये चारों तरफ शिफ्ट होकर के एक पाराबोला का शेप बना देता है, क्या बना देता है पाराबोला का शेप। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कैसे चारों तरफ बन गया, ये सूडो फोर्स सिर्फ इधर ही थोड़ा होगा, जब इसका ड्रॉ करेंगे तो बीडी सूडो फोर्स इधर आएगा सेंट्रीफ्यूगल, यहां फ्रंट वाले का यहां जो मॉलिक्यूल होगा फ्रंट में उस पर बनाएगा तो इधर आएगा, अंदर वाले का बनाएंगे अंदर जाएगा, इमेजिन हो रहा है। तो देखो ये फ्लो नहीं होना चाहिए है ना, शियर फोर्स होना नहीं चाहिए, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, ध्यान दो क्या करेंगे हम लोग, अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे टेंजेंट इस तरह से होगा टेंजेंट, और मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है, ये जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है थीटा एंगल है ना। तो देखो ये जो एमजी है, एमजी का कंपोनेंट आएगा एमजी साइन थीटा और एमजी कॉस थीटा है ना, ये जो कंपोनेंट आएगा ये होगा एमजी साइन थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा तो ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, यहां जो कंपोनेंट ब्रेक होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, दूसरा जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में ताकि शियर फोर्स ना बचे, और जो बचेगा वो इधर होगा तो उसके परपेंडिकुलर ये सरफेस रहेगा यहां पे है ना। तो क्या होगा बाबू, हियर फॉर नो फ्लो mg साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा, तो m m कैंसिल आउट, तो यहां से आप देख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x बाई g, ऐसा आएगा हम ओमेगा स्क्वायर x बाई g है ना, और tan थीटा तो स्लोप हो जाएगा, देखो टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा, दैट मींस स्लोप, तो यहां पे आप लिख सकते हो स्लोप का मतलब क्या, dy by dx, tan थीटा को लिख सकते हैं dy by dx स्लोप है ना, आपने पढ़ा है बेसिक में ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई जी, तो यहां के बाद ऐसा करते हैं यहां लिखते हैं, तो आप देख सकते हो dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एक्स
डीएक्स ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसे हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो लिमिट भी देना होगा बाबू, तो लिमिट में एक लिमिट वो दिया जाता है जहां पे पता होता है, दूसरा वो दिया जाता है जहां पे हमें मालूम करना है। तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो अगर हम बॉटम के लिए बात करें तो बॉटम के लिए अगर एक्स, यहाँ डी के साथ एक्स है तो एक्स का लिमिट लेंगे, यहाँ डी के साथ वाई है तो वाई का लिमिट लेंगे। तो अगर हम एक्स का लिमिट जीरो लेंगे मतलब ऑरिजिन, तो वाई भी वहां पे जीरो ही होगा। अगर एक्स जीरो लेंगे, देखो एक्स जीरो तो वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, और अगर एक्स एक्स लेंगे तो वाई वाई होगा। देखो एक्स कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू वाई भी है, तो एक्स लेंगे तो वाई लेंगे, जीरो लेंगे तो जीरो होगा। तो यहां से आप देख सकते हो वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और वाई टू, लिमिट पुट करके आएगा, लिमिट पुट करके आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा ना। और देखो ये पैराबोला का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन है पैराबोला का इंटीग्रेशन, पैराबोला है कि नहीं, पैराबोला का इंटीग्रेशन ठीक है बाबू। इसे नोट करें, वीडियो पॉज करें और नोट करें। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी लिया जा सकता है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी लिखा जा सकता है। देखो अगर हम अल्टरनेटिव मेथड की बात करें, अल्टरनेटिव मेथड ठीक है बाबू, इसे इरेज कर रहे हैं, इसे इरेज कर रहे हैं। अगर हम अल्टरनेटिव मेथड की बात करें तो देखो अल्टरनेटिव मेथड इस तरह से है बाबू, है ना, अब ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस इसके रोड में घूम रहा है। हमने क्या करा, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना बाबू, हमने करा क्या, यहां यहां पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, यहां यहां पूरे में क्या है, लिक्विड है। हमने करा क्या, अपने मन से एक एलिमेंट्री ट्यूब इमेजिन किया, अपने मन से एक एलिमेंट्री ट्यूब इमेजिन करा, और ये जो इमेजिन कर रहे हो ये जो एंड है वो ओरिजिन के पास है, जस्ट ओरिजिन के पास, और ये जो एंड है वो इसके जस्ट बिलो है ठीक है। मान लो ये एक्स लेंथ का है, कितने लेंथ का है, सपोज एक्स लेंथ का है ऐसा हमने मान लिया, और ये कितना डेप्थ है वाई, ये कितना डेप्थ है सपोज वाई ठीक है ना बाबू, वाई डेप्थ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, ये घूम रहा है, क्या कर रहा है घूम रहा है, क्या कर रहा है घूम रहा है। अगर हम आपसे पूछें ये ए है और ये बी है, तो देखो ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से प्रेशर एट ए कितना होगा, जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, चाहो तो हम लिख सकते हो, ये चलो लिखते हैं, जब कर ही रहे हैं तो पूरा करते हैं, है ना। अगर हम प्रेशर एट ए देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि उसका डेप्थ तो है नहीं, वो तो वहीं पे ओरिजिन पे बॉटम पे, जीरो होगा, जीरो नहीं सॉरी एटमॉस्फेरिक पीएटीएम होगा। और अगर हम प्रेशर एट बी की बात करें तो हो जाएगा PATM प्लस रो जी वाई, इतना हो जाएगा बाबू, है ना। और देखो दिस इंप्लाइज दैट PB माइनस PA इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रो जी वाई, कितना आएगा रो जी वाई। और ध्यान दो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये तो हम लोग इसके पहले वाले एग्जांपल में देखे हैं बाबू, कि एक ट्यूब को अगर हॉरिजॉन्टली घुमाते हैं तो प्रेशर डिफरेंस कितना आता है, हाफ रो ओमेगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाफ रो
ओमेगा स्क्वायर आर टू, आर टू के जगह पर एक्स और आर वन के जगह पर जीरो इज इक्वल टू रो जी वाई घूमने की वजह से, है कि नहीं? दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण प्रेशर ढूंढो या हॉरिजॉन्टल जो रोटेशन हो रहा है एक्सेलरेशन है उसकी वजह से देखो, वो सेम ही होगा। देखो दोनों प्रेशर डिफरेंस सेम है, ये और ये दोनों क्या है सेम। ये जो दोनों प्रेशर डिफरेंस होता है क्या होता है सेम होता है। कहने का मतलब आप यहां से यहां का प्रेशर डिफरेंस रोटेशन की वजह से फाइंड करो, मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से फाइंड करो, या आप वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से फाइंड करो, वो दोनों सेम आता है। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि सर घूमने की वजह से एक प्रेशर आएगा, डेप्थ की वजह से एक प्रेशर आएगा। नहीं, यहां पे जो भी प्रेशर आप लिखोगे, आप यहां से यहां जाओ तो प्रेशर लिखो या यहां से यहां तो प्रेशर लिखो, ये जो भी लिखते हो वो नेट होता है, वो ओवरऑल प्रेशर होता है। आप अगर यहां से यहां जाकर के प्रेशर लिखोगे तो जो प्रेशर आएगा, ठीक है ना, और अगर आप यहां से यहां करके लिखो दोनों इक्वल होता है। मतलब अगर यहां से यहां भी देखा जाए तो जो प्रेशर आएगा उसमें ये इंक्लूड ही होता है, वो नेट प्रेशर होता है एक्चुअली, वो नेट प्रेशर एक्चुअली होता है, है। तो यहां सब क्या करेंगे, रो ने रो को मार डाला, रो ने रो को मार डाला। तो यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, यहां से डायरेक्ट आ गया। ये अल्टरनेटिव में छोड़ोगे, इसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं हुआ ना, डायरेक्ट आ गया वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। तो घूमेगा तो पाराबोला बन जाएगा और उसका इक्वेशन होगा ये, और ये पाराबोला नहीं है, देखा जाए तो ये पाराबोलाइड है। क्या है? पाराबोलाइड, पाराबोलाइड है ये, ये क्रॉस सेक्शन पाराबोला है, क्रॉस सेक्शन पाराबोला है, ठीक है ना। अगर ऐसे हम देखें तो हमें इस तरह से दिखेगा क्रॉस सेक्शन, वो एक पाराबोला है, इक्वेशन ये, ठीक है बाबू। तो ये नोट कर लें, नोट कर लें वीडियो पॉज करके, नोट कर लें बाबू। ठीक है ना बाबू, तो ये हो गया। अब इसी का एप्लीकेशन, इसी को यूज करके हम लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे ये जो है वॉल्यूम कितना होगा। मतलब कभी कभी सवाल क्या पूछता है ना, कभी कभी सवाल क्या पूछता है कि जैसे ये जो ओमेगा है, अगर ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये डिप्रेशन और बढ़ेगा, डिप्रेशन और बढ़ेगा बाबू, ठीक है, और गड्ढा होगा। तो कितना ओमेगा से घुमा दिया जाए, कम से कम कितना ओमेगा घुमा दिया जाए कि ये डिप्रेस होते होते बॉटम पे पहुंच जाए, मतलब बॉटम विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाए। फाइंड ओमेगा मिनिमम सच दैट बॉटम इज जस्ट विजिबल और एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, है ना। तो वो क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए हम लोगों को पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट भी करेंगे तो बनेगा, डायरेक्ट भी बतलाएंगे तो बनेगा, बट डिराइव कर देंगे तो आपको थोड़ा फील ज्यादा आएगा, है ना। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतना ही रखें, बाकी जो एक और पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दे रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूं, ठीक है बाबू। तो नेक्स्ट वीडियो में आप आगे वाला पार्ट देख सकते हो, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट इसका है इस टॉपिक से, वो उसमें पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।